पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटास्प्लोइट के नए अपडेट में विनरार की लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी को ऐड किया गया है, जिसका पूरा डेमो आपने इस वीडियो में देखा। पर इस वीडियो में कई लोगों के कमेंट्स थे कि मेटास्प्लोइट अपडेट नहीं हो रहा है, इवन न्यू इंस्टॉल करने पर भी वही वर्जन शो हो रहा है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैनुअली मेटास्प्लोइट को अपडेट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेक चिप यूट्यूब चैनल। देखिए, जब आप कोई काली लिनक्स या अन्य किसी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोजिटरी से पैकेज को इंस्टॉल करते हैं या उनको अपडेट करते हैं, तो उनमें ज़्यादातर आपको स्टेबल वर्जन ही मिलते हैं। जो भी उस पैकेज के लेटेस्ट अपडेट हैं वो कुछ समय बाद ही रेपो पर ऐड किए जाते हैं। तो नॉर्मली ऐसे पैकेजेस को ऑफिशियल रेपो से अपडेट करने पर या उनको इंस्टॉल करने पर आपको स्टेबल वर्जन ही मिलता है, ताकि आपको इसमें कोई इशू ना आए। फिर भी यदि आप पैकेजेस के लेटेस्ट वर्जन यानी स्टेबल वर्जन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम पर मेटास्प्लोइट का ये वर्जन इंस्टॉल्ड है, जिसमें कि लेटेस्ट अपडेट को ऐड नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विनरार का वो एक्सप्लोइट शो नहीं हो रहा है। तो यदि मैं इसको नॉर्मली अपडेट करूँगा तो यहाँ पर यही वर्जन अपडेट होगा, क्योंकि काली के रेपो पर अभी यही इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन बता रहा है। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ कि आप कैसे पैकेजेस के अनस्टेबल या लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो काली इसके लिए आपको कुछ एडिशनल रिपोजिटरी प्रोवाइड करवाता है, जिनके द्वारा आप अनस्टेबल वर्जन्स या एक्सपेरिमेंटल पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल रेपो पर नहीं मिलते। इसके लिए आप ओपन कीजिए काली ट्विक्स को, तो आपको यहाँ पर रिपोजिटरी का और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके लिए आप जाइए नेटवर्क एंड रिपोजिटरीज पर। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर ये दो रिपोजिटरीज और मिल जाती हैं, जो कि अनस्टेबल वर्जन्स और एक्सपेरिमेंटल पैकेजेस के लिए हैं। आप यहाँ से भी एडिशनल पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने दोनों एडिशनल रिपोजिटरीज को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद यहाँ पर इसका APT कैश अपडेट होगा, फिर आप इन रिपोजिटरीज से पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाएंगे। अभी यहाँ पर ये अपडेट हो रही हैं, देखते हैं इसके अंदर मेटास्प्लोइट का कौन सा वर्जन मिलता है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर APT कैश अपडेट हो चुका है। अभी मैं काली ट्विक्स को बंद कर देता हूँ। अभी मैं वापस से मेटास्प्लोइट को अपडेट करके देखता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर कमांड सेट कर दिया है, पर अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वही वर्जन शो हो रहा है। तो इन एडिशनल रिपोजिटरीज पर भी मेटास्प्लोइट का लेटेस्ट वर्जन उपलब्ध नहीं है, तो फिर आप ऐसे पैकेजेस को मैन्युअली उनके वेबसाइट पर जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने मेटास्प्लोइट का ऑफिशियली गिटहब पेज ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको उसके लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। आप रिलीजेस और पैकेज पर जाकर पैकेजेस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई भी पैकेजेस नहीं है तो फिर आप इसको यहाँ से मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी लिंक दे रखी है कि आप इसके लेटेस्ट वर्जन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने इस लिंक को ओपन कर लिया है। ये macOS और लिनक्स को इंस्टॉल करने के कमांड्स हैं। आपको यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आप विंडोज़ पर मेटास्प्लोइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको काली लिनक्स पर इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ से मैंने पूरी कमांड कॉपी कर ली है और अभी मैं इसको अपने टर्मिनल पर पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेटास्प्लोइट की इंस्टॉल स्क्रिप्ट डाउनलोड होगी और वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद आपको अपने सिस्टम पर मेटास्प्लोइट का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटास्प्लोइट अपडेट हो रहा है। आपको यहाँ पर वर्जन की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पर कौन सा वर्जन इंस्टॉल होगा, और अभी यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो मैंने MSF कंसोल को ओपन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। अभी इसका वर्जन यहाँ पर चेंज हो चुका है, जिसके अंदर हमें विनरार का लेटेस्ट एक्सप्लोइट मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर मौजूद है। तो आप इस तरह से यहाँ पर इसको अपडेट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर इसके कुछ तरीके बता दिए हैं कि आप ऑफिशियली रिपोजिटरीज के द्वारा या मैनुअली इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये तीन एडिशनल रिपोजिटरीज आ चुकी हैं। मेटास्प्लोइट फ्रेमवर्क की रिपोजिटरी भी यहाँ पर ऐड हो गई है। तो अभी आप कभी भी मेटास्प्लोइट को अपडेट करेंगे तो आपको हर बार इसका लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपका एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इन वेबसाइट पर अपनी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियो डाली हुई हैं। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और वो वीडियो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।